हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर क्लास 10th मैथमेटिक्स वर्कशीट 48, डेट इज 23rd अक्टूबर 2020। और आज की हमारी वर्कशीट है सर्कल्स पे एक प्रैक्टिस टेस्ट, यानी एक प्रैक्टिस पेपर है जिसे हमें सर्कल का रिवीजन करना है। तो स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 इज लेबल दीज पार्ट्स इन द गिवन डायग्राम और सिचुएशन, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, रेडियस, टेंजेंट। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहाँ पर पॉइंट, कौन सा पॉइंट जो कॉन्टैक्ट है हमारा टेंजेंट और रेडियस पे, तो ये है हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसे हम नेम कर दें, इसको हम नेम कर देते हैं ए। ये हमने ए नेम कर दिया। इसे रेडियस, रेडियस सेंटर ओ से वृत्त, जो हमारा ये सर्कल है इस पर जो भी पॉइंट हमारा है उस तक का डिस्टेंस, तो इसको नेम कर दिया बी। तो ओ बी हो गया हमारा रेडियस। फिर टेंजेंट, तो टेंजेंट तो ये है ही हमारे पास, तो इस टेंजेंट को नेम कर दें हम, इसको एक्स वाई, ये हमारा टेंजेंट हो गया। तो हमने टेंजेंट भी यहाँ पर नेम कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 इज शो टू टेंजेंट्स ए बी एंड ए सी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ हैविंग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द पॉइंट बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। तो अब इसे ड्रॉ करते हैं। ये रहा हमारे पास एक सर्कल विद सेंटर ओ, तो ये रहा सेंटर ओ। एक पॉइंट है ए जिससे हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं, एक है ए बी और ये है हमारा टेंजेंट ए सी। बन गई फिगर। क्वेश्चन नंबर 3 इज फ्रॉम अ पॉइंट सी द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम सेंटर इज 10 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। तो हमें करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है, तो इसके लिए हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये है हमारी फिगर कि एक सर्कल हमने लिया। अब इस सर्कल में सेंटर से, यानी सेंटर हमने ले लिया ओ, एट अ डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, यहाँ पर क्यू है जिसका डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज 8 सेंटीमीटर, यानी ये जो हम इसे ए नेम ले देते हैं ये 8 सेंटीमीटर है। हमें रेडियस ऑफ द सर्कल चाहिए, यानी ओ ए की हमें लेंथ चाहिए। तो वी नो दिस एंगल इज 90 डिग्री, और जैसे ही 90 डिग्री हुआ तो हमारा ट्राइंगल क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल। सो वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम। इट मीन्स ओ ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10² - 8² दैट इज 100 - 64 √36 एंड आंसर इज 6 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल। तो हम एक सर्कल पे बहुत सारे टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, ट्रू। मोर देन 2 टेंजेंट्स कैन बी पैरेलल टू अ सीकेंट, एक सीकेंट के 2 से ज़्यादा टेंजेंट्स जो हैं वो पैरेलल हो सकते हैं। तो इसके लिए हम फिगर ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये है हमारा सर्कल, ओके, ये हमने इसमें एक सीकेंट ड्रॉ कर दिया। इसके पैरेलल ये रहा हमारा फर्स्ट टेंजेंट और दूसरा टेंजेंट हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया। अब हम और पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं? नो, दिस मीन्स स्टेटमेंट इज फॉल्स। द टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ये तो अब हमें अच्छे से याद हो गया ना, रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। द डैश ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो क्या इक्वल होती हैं उनकी लेंथ, तो उनकी लेंथ जो है वो इक्वल होती है। इफ टी पी एंड टी क्यू आर 2 टेंजेंट्स ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ सो दैट पी ओ क्यू इज 110 डिग्री एंड देन फाइंड पी टी क्यू। अब हमें पता है ये दोनों एंगल्स जो हैं ये होते हैं सप्लीमेंट्री, देयरफॉर एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू देयर सम शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो पी टी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस पी ओ क्यू दैट इज 110 डिग्री एंड आंसर इज 70 डिग्रीज। रीजन क्या है? दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ये तो हमने लास्ट क्लास में सीखा था, सप्लीमेंट्री, तो देयरफॉर देयर सम इज 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 9, 2 concentric circles are of radii 13 and 5 cm. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle at a point.
तो इसके लिए सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन 9, अब फिगर ड्रॉ करें। ये है हमारा लार्जर सर्कल, ओके, ये हो गया लार्जर सर्कल, और इसमें एक स्मॉलर सर्कल हम ड्रॉ कर रहे हैं, और लार्जर सर्कल की कॉर्ड स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है, यानी उसके लिए टेंजेंट हो गई, और ये जो हमारा स्मॉलर सर्कल है इसकी जो इसका जो रेडियस है इट इज़ 5 सेंटीमीटर, और लार्जर सर्कल का रेडियस है 13 सेंटीमीटर, ओके, इसे नेम कर दिया ओ। ये हो गया ए, कॉर्ड ए बी, एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज़ सी। हमें लेंथ किसकी निकालनी है, हमें ए बी की लेंथ जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है। नाउ इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल है हमारा यहाँ पर, ओ सी बी। अब राइट एंगल क्यों है, क्योंकि एंगल सी 90 डिग्री है। एंगल सी 90 डिग्री क्यों है, एंगल बिटवीन किसके बीच का एंगल है, रेडियस एंड टेंजेंट, टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल है ना, तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री। और जैसे ही 90 डिग्री हुआ वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। सो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर। तो बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ओ बी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर, दैट इज ओ बी की वैल्यू 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, दैट इज 169 माइनस 25। बी सी इज अंडर रूट ऑफ 144, दैट इज 12 सेंटीमीटर्स। तो बी सी मिल गया हमें 12 सेंटीमीटर, पर हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें तो पूरी कॉर्ड की लेंथ चाहिए। सो सिंस ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, इट मीन्स बी सी इज हाफ ऑफ ए बी, क्योंकि हमें पता है सेंटर से जब हम कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो बी सी ए बी का हाफ हो गया, तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा 2 times BC, इट मीन्स 2 into BC की लेंथ क्या आई हमारे पास 12, दैट इज 24 सेंटीमीटर्स। तो ये आ गया हमारा ए बी की लेंथ, कॉर्ड ए बी की लेंथ हमें मिल गई। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज इन द गिवन फिगर ए सी इज 10 यूनिट्स, फाइंड द लेंथ ऑफ बी डी। तो ये है हमारा ए सी जिसकी लेंथ हमें दी हुई है 10 यूनिट्स, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, बी डी, यानी ये लेंथ हमें निकालनी है। सो ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। ए सी ए बी और बी सी से मिलके बना ये पार्ट और ये पार्ट। ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बी, ये लिख सकते हैं, क्योंकि जो बी है इज़ द सेंटर पॉइंट, दोनों हमारे सर्कल्स जो हैं सेम रेडियाई के हैं, तो बी से मिड पॉइंट हो जाएगा। तो ए सी हो गया 2 times AB, तो ए बी हो गया हाफ ऑफ ए सी, दैट इज हाफ ऑफ 10, 5 यूनिट्स। तो ये हमें मिल गया 5 यूनिट्स। अब नाउ बी डी इज इक्वल टू ए बी, वाई, बी इज द एक्सटर्नल पॉइंट, बी हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, एंड ए बी एंड बी डी आर टेंजेंट्स। तो जब हम सेम एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ इक्वल होती है, तो इसलिए बी डी इज इक्वल टू ए बी, हेंस बी डी इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। तो बी डी की लेंथ मिल गई हमें, हो गया सॉल्व। ये है हमारी आज की प्रैक्टिस शीट, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एन्जॉय मैथ।